Arunima Sinha, former national level volleyball player and the first amputee to scale Mount Everest, has said she felt greater pain while visiting the Mahakaal temple in Ujjain than in scaling the Everest. She recounted her unpleasant experience at the temple yesterday and said her disability had been mocked. अरुणिमा प्रतीक हैं एक जज्बे की जीत की, लेकिन उनके साथ महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में जो हुआ, उन्होंने खुद अपनी व्यथा को ट्विटर पर लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग जी इस वक्त मेरे साथ हैं। विश्वास जी, अरुणिमा जिन्होंने पैर गंवाने के बाद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनका कहना है कि साक्षात महाकाल के पास वो पहुंची, लेकिन जब उज्जैन गई तो उन्हें रोक दिया गया। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है और आपके ही मैं टॉक शो में अरुणिमा जी से मेरी भी बातचीत हुई, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हर मंदिर की एक आचार संहिता है, हर हर एक इवेंट का एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को, उस आचार संहिता को सभी को पालन करना चाहिए। अरुणिमा जी मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की एक ऐसी जाबाज हमारी बहन है जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, तो उनका तो मध्य प्रदेश में हर समय स्वागत है। मैंने उनको आपके शो में कहा है कि वो आए, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, आचार संहिता का पालन तो हम सबको करना चाहिए। लेकिन वो दिव्यांग है, क्या कुछ सहूलियत उनको नहीं दी जा सकती थी क्योंकि उनको कपड़े पहनने में? ये एक बहस का मुद्दा है और मुझे नहीं लगता इस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। महाकाल बाबा को लेकर हमें बहुत डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए। यदि वहाँ उस मंदिर की कुछ परंपराएं हैं, कुछ उस वहाँ की आचार संहिता है, वहाँ की यदि कोई प्रोटोकॉल है, तो वो सब कुछ शास्त्र आधारित है। उस पर यदि हम और हम जैसे अल्प ज्ञानी लोग यदि उस पर टिप्पणी करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सकारात्मक हमारी पहल नहीं होगी।